क्या द्रविड़ को अब अध्यक्ष बनाना चाहिए? ऐसा हम नहीं, ऐसा रवि शास्त्री कह रहे हैं। इसी को लेकर आज सबसे बड़ी चर्चा का विषय ये बन चुका है। नमस्कार, मैं हूँ हर्ष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट। अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को बनाया गया और इसी बीच रवि शास्त्री ने भी बड़ी मांग की है कि अब राहुल द्रविड़ को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। आज ये बड़ी चर्चा का विषय है क्योंकि अगर अध्यक्ष अभी सौरव गांगुली को बनाया गया, देखा गया था बीच में दरार भी देखी जाती है हमेशा रवि शास्त्री और अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष बने सौरव गांगुली के बीच। अमन जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी बात पर। सब अभी यहां पर अध्यक्ष बने हैं और जो मतभेद देखा जाता था, अब अध्यक्ष बनाने को लेकर रवि शास्त्री ने यहाँ पर राहुल द्रविड़ की मांग की। बिल्कुल, राहुल द्रविड़ की मांग की है और जाहिर बात है बहुत बड़े प्लेयर हैं राहुल द्रविड़। उनके बारे में क्या कहा जाए, मेरे ख्याल में एक समय तो ऐसा था कि इंडियन क्रिकेट की तीन जो त्रिमूर्ति कहा जाता था कि सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली, तो ये तीनों बहुत बड़े लेजेंडरी प्लेयर रहे हैं। बड़े लेवल पर इन्हें क्रिकेट देखने को मिला और तमाम बड़ी बड़ी पारियाँ इनके बल्लों से निकली हैं। तो हो सकता है कि उसी संदर्भ में जो इस तरह रवि शास्त्री कोच उन्होंने बोला है कि भाई अभी हाल ही में कुछ समय लक्ष्मण ने भी गांगुली से कहा है कि भाई जो नेशनल क्रिकेट है यानी कि जो एनसी है उसको हमें और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। तो उसी संदर्भ में रवि शास्त्री ने कहा है कि उसके लिए सबसे अगर बेहतर व्यक्ति कोई हो सकते हैं तो वो राहुल द्रविड़ हो सकते हैं उसके अध्यक्ष बनने के लिए, यानी कि नेशनल क्रिकेट जो एकेडमी है उसके अध्यक्ष अगर कोई बन सकता है तो राहुल द्रविड़ बन सकते हैं। देखिए मसला इसमें एक और भी है कि राहुल द्रविड़ लगातार जो जूनियर प्लेयर हैं उनको निखार रहे हैं। अंडर 19 में देखा गया हर प्लेयर निखर के आया, बिल्कुल निखर के आया और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस निकल के वो निकलवा लेते हैं। और शुभमन गिल हों या और भी कितने सारे प्लेयर्स हों, वो कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ को अपना बहुत ज़्यादा आइडल मानते हैं। और राहुल द्रविड़ की जो टेक्निक है, जो उनका कद रहा है क्रिकेट में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तमाम शतक, तमाम अर्धशतक और तमाम उनका रन उनके खाते में दर्ज है इंटरनेशनल, तो ये बताता है कि राहुल द्रविड़ कितने बड़े कद के खिलाड़ी हैं। उनकी तारीफें अमूमन सचिन तेंदुलकर से लेकर सौरव गांगुली, लक्ष्मण, सहवाग सभी लोग किया करते हैं। और सबसे बड़ी बात उनका जो स्वभाव है, खासकर जो मिस्टर कूल के नाम से उनको कहते थे और भरोसेमंद कहते थे, दीवार कहते थे इंडियन क्रिकेट टीम की, तो वो सब उनके पास है और ये सारी ताकत राहुल द्रविड़ के पास में हिस्से में है। और रवि शास्त्री इसलिए उनकी बहुत तारीफ भी करते हैं, हमेशा उनके बारे में बढ़ाई करते रहते हैं। और उसी संदर्भ में शायद उन्होंने एक बार फिर कहा है कि अगर एनसीए की बात हो रही है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी को अगर और बेहतर करने की ज़रूरत है, उसमें राहुल द्रविड़ का नाम सबसे उम्दा है। और ऐसा नहीं है, देखिए सौरव गांगुली के लिए भी रवि शास्त्री ने बहुत अच्छे अल्फाजों का यूज किया है, बहुत देखा गया कि बधाइयां दी हैं और लगातार यही कहा है कि अब अच्छे हाथों में है। बिल्कुल, और अगर राहुल द्रविड़ की भी बात करी जाए तो काफी अच्छा उनका जो प्लेटफॉर्म रहा है, अंडर 19 के खिलाड़ी इतने बेहतरीन तरीके से आए हैं कि अब वो इंडिया में इवेंट अच्छा खेल रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए सबसे बड़ी बात होती है जब आपकी बेंच स्ट्रांग होती है, यानी कि जो पीछे से जो बच्चे नए सीख कर आ रहे हैं वापस, उनको एक अच्छा गुरु अगर मिल जाए, यानी कि जो कच्ची मिट्टी है अगर उसको सही से तराशने वाला कोई अगर गुरु मिल जाए, उनको सही से बनाने वाला कोई मजबूत प्लेयर मिल जाए, तो वो प्लेयर आगे चलकर सचिन बनते हैं, सहवाग बनते हैं और तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी बनते हैं। तो ये जाहिर बात है कि आपकी जो नई पौध आ रही है, यानी कि जो नए युवा खासकर जो अंडर 19 के प्लेयर्स हैं, उनको अगर आप सही से उनको संभाल पाए, उनको बना पाए, उनको उन्हीं क्रिकेट को निखार पाए, तो देखिए आने वाले दिनों में, यानी 20 से 21 या 22 साल के बाद उनकी क्रिकेट और ज़्यादा निखर कर सामने आती है। तो ये अगर राहुल द्रविड़ के हाथों में अगर वो कमान है तो मेरे ख्याल से वो कमाल कर रहे हैं। लेकिन हाँ, शास्त्री ने कुछ अलहदा बात की, उन्होंने कहा है कि उनका एनसीए का भी कमान दी जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर देखा जाए कि ऑस्ट्रेलिया के समय पर ये देखा जाता था उनकी बेंच स्ट्रेंथ कुछ इस तरीके से होती थी, रिकी पोंटिंग, स्टीव स्मिथ बेंच स्ट्रेंथ में थे, देखिए कमाल की बिल्कुल आपकी बात को। और अब इंडिया का बेंच स्ट्रेंथ बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल कमाल का। मुझे अभी भी याद आता है मार्क टेलर के बाद स्टीव बोन, स्टीव बोन रिकी पोंटिंग, रिकी पोंटिंग के बाद क्लार्क, क्लार्क के बाद स्टीव स्मिथ, यानी कि एक तरीके से उनके पास बैकअप पूरा इंतजाम रहता है, कोई परेशानी का सबब उनको कभी बनता नहीं। लेकिन हाँ, अब जिस तरह से ये शुरुआत हो रही है कि नई हमारी जो बेंच आ रही है, अगर मान लीजिए बुमराह आज नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी बेंच इतनी स्ट्रांग है कि वो 3-0 से भी साउथ अफ्रीका को हरा सकती है। तो ये कमाल की क्रिकेट हो रही है, कमाल का ये मैं कहूँगा एक्सपीरियंस है हमारी भारतीय क्रिकेट का। और सबसे बड़ी बात कि जब ऐसे होनहार हाथों में कमान आती है, यानी कि जो विषय अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं, कोच रवि शास्त्री हैं और साथ में जो राहुल द्रविड़ की बात की जा रही है, अंडर 19 तो खैर वो कर ही रहे हैं, लेकिन एनसीए में अगर बात की जा रही है कि भाई आप और प्लेयर को निखारी, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी गुडविल बन जाती है और क्रिकेट के लिए मैं कहूँगा इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, खासकर इंडियन क्रिकेट के लिए, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े हस्तियाँ सपोर्ट सिर्फ नहीं कर रही बल्कि काम भी करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये एक कुछ अलग मामला है और मेरे ख्याल में यहाँ से जो विराट कोहली कप्तान है टीम के, रोहित शर्मा जो अभी T20 कप्तान
बने हैं उनके लिए बहुत कुछ सीखने का और करने का मौका है। तो मुझे लगता है कि इनसे जो लेजेंडरी प्लेयर्स हैं, इनके जो मेरे ख्याल में दुनिया में अपनी साख मजबूत करके यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनकी बिल्कुल इज्जत करनी चाहिए, उनके बिल्कुल जो उनके अनुभव उनको शेयर करना चाहिए, लेना चाहिए और उससे टीम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो बिल्कुल मैं इत्तेफाक रहूँगा रवि शास्त्री से, उन्होंने जिस तरह से बात कही है राहुल द्रविड़ को लेकर भी, तो मेरे ख्याल में वो बिल्कुल उनकी उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसके ऊपर जरूर काम करना चाहिए। धन्यवाद अमन जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अब एनसीए के अध्यक्ष राहुल द्रविड़ को बनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो टीम को निखारते हुए आए हैं अंडर 19 में, जिस तरीके से प्लेयर निखरे हैं, इस तरीके से अब अपनी नेशनल टीम को भी निखारना चाहिए। और नेशनल टीम के अगर वो कोच बनेंगे तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष बनेंगे, तो जो रवि शास्त्री की मांग है काफ़ी अच्छी मांग है, अब देखना होगा इसको लेकर सौरव गांगुली क्या कहते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स पर। धन्यवाद।